मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, काबे में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, काबे में ऐसी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाए, बस एक आपकी मेहरबानी चाहिए सर जी। थैंक यू। आजना शो में आपणे एवा गीत पण लीधा छे जे लताजीए गाया होय अने बीजा अन्य सिंगरोए गाया होय, जेम के हमने तुझको प्यार किया है इतना मुकेशजीए गायू, लताजीए पण गायू, किशोर कुमार साहब साथे जेमणे गायू मेरे नैना सावन बधो लताजीए पण गायू अने किशोर कुमारे पण गायू। एवी रीतना रफी साहेबनी साथे जोईए तो घणा बधा गीत गाय छे, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अने रफी साहेब एक एवा कलाकार, एक एवा पाक साफ इंसान कि जेना विषे नौसाद साहेबे बहु सारी वस्तु कीधी छे कि गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पर तो सबको नाज होता है, मगर ए रफी आज मौसीकी को तुझ पे नाज है। ऐसा ही एक इंसान और बेहतरीन आवाज, आइए मैं स्टेज पे दावत देना चाहता हूँ हमारे आप ही के अपने शहर के बड़ौदा के गिरीश कविश्वर। आइए सर, बेहतरीन गाना एक लेते हैं। कम ऑन गिरीश भाई के लिए एक बार आप लोगों की बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, आपके अपने शहर के हैं। 1968 में फिल्म आई थी अभिलाषा, मजरू सुल्तानपुरी साहब का संगीत था और आर डी बर्मन साहब। आइए सुनते हैं बेहतरीन गाना। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख छेड़ देगी मेरे हाथ से अपने तुम कहाँ जाओगे। वादिया